हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इतना आगे। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अकबर जो है, अकबर को जाना जाता है इनलाइटेड डिस्पोज से भी, ठीक है। क्यों जाना जाता है जी? क्योंकि ये सोशल जितना भी सोशल रिफॉर्म वाला काम हुआ, ठीक है, एजुकेशनल रिफॉर्म का काम किया था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का काम किया था, तो ये अच्छा अच्छा काम किया है। इस वजह से इसको इनलाइटेड डिस्पोज जाना जाता है अकबर को। तो जैसे सती हो गया या चाइल्ड मैरिज हो गया, सती को भी हटाने की कोशिश किया था, या चाइल्ड मैरिज को भी हटाने की कोशिश किया था, समझे, या फिर चाइल्ड इन्फेंटिसाइड जो होता है, ठीक है, वो जो आपका क्या होता है कि भ्रूण हत्या जो होता था, चाइल्ड को बच्चे अगर रहता था उसको भ्रूण हत्या कर दिया जाता था, अगर गर्ल्स रहता था तो वो सब चीज़ों को भी क्या किया था, ये हटाया था, हटाने की कोशिश किया था, ठीक है। जैसे इसमें क्या किया था, ये फिक्स भी किया था, एक डेट भी लाया था, समझे, कि गर्ल्स का और बॉयज़ का मैरिज का डेट क्या है वो फिक्स किया था, कितना साल होना चाहिए गर्ल्स का शादी करने का, बॉयज़ का शादी करने का, बताएंगे आपको। देखिए, ये जो है अकबर जो है एक और सिस्टम लाया था जिसमें क्या था कि मैरी करना है केवल एक वाइफ से, मैरी ओनली वन वाइफ एंड ओनली अदर बहन वाइफ बैरन, मतलब अगर उस वाइफ से शादी नहीं हो रहा है ना तब आप दूसरा शादी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ एक शादी कर आपको करना है। ऐसा कौन बोला? अकबर ही बोला है ऐसा, अकबर अपने रूलिंग पीरियड में चलाया था नियम कानून, समझे। तो अच्छा अच्छा काम किया, इसलिए इनलाइटेड डिस्पोज्ड अकबर को ही कहा जाता है। अब देखिए, अकबर जो है, अकबर का जो डेट हुआ था 1600, देखिए अकबर का डेट कब हुआ है, देखिए इसका पीरियड इतना ही है तो ये डेट आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना ये रूलर अकबर बड़ा फेमस नाम है तो आपको मालूम होना चाहिए इसका डेट भी, कि इसका ये कब मरा था, कब डाइड किया था, कब मरा था ये, तो 1605 में मरा था, समझे, और डायरिया की वजह से ये मर गया था। और ये अकबर जो है 1556 में, मतलब ये इसका शुरुआती डेट है, तो ये इस डेट से क्या हुआ, ये रूल करना स्टार्ट किया मुगल में, समझे, मुगल एम्पायर में मुगल एम्पायर बनाइए, समझिए। तो ये डेट आपको याद होना चाहिए, इसका पीरियड तो आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, अकबर में इसका नवरत्न है, ठीक है। अब एक चीज ये भी आप जानिए कि चंद्रगुप्त 2 में भी नवरत्न था, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इसका फेमस हुआ था। तो इसके नवरत्न में देखिए कुछ नाम है आपको बताते हैं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो पेंटिंग है, ठीक है, दिल्ली में एक है, एक दिल्ली में आपका एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं आ रहा ना, लेकिन उस जगह पे जो पेंटिंग रखा गया है ना, उससे जो डिपिक्ट किया गया है उसे पता जो चला है नौ नाम की नवरत्न कौन है आपके अकबर पीरियड में, तो वो देखिए ये नवरत्न है, वो ये नौ नाम है जो हम आपको बता रहे हैं। बाकी और भी जो है इसके, इसमें भी बहुत कन्फ्लिक्ट है बाद में, और फिर कोई ऐड हुआ, समझे, तो और भी जो नाम इसके नवरत्न से जुड़ा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो नौ नाम जो आपको बता रहे हैं वो दिल्ली में एक पेंटिंग है, कोई लाइब्रेरी है, नाम मैं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मेरे को, रामबीर सिंह करके कोई एक लाइब्रेरी है, तो उसी में उसी पेंटिंग के थ्रू जो डिपिक्ट किया गया है ना, जो नाम नवरत्न कौन है आपके अकबर पीरियड में, वो ये नौ है, ठीक है। देखिए, तो जैसे बीरबल है, बीरबल को क्या नाम था, बीरबल का नाम महेश दास था, ठीक है, महेश दास था। ये जो है बीरबल, ये किस चीज के लिए जाना जाता था जी? ये जाना जाता था आपका, देखिए ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता था, और आपका बहुत इंटेलिजेंट था ये, ठीक है, ह्यूमर के लिए भी जाना जाता था, इंटेलिजेंसी के लिए भी जाना जाता था, तो ये इस चीज के लिए जाना जाता था। और ये इसका जो डेथ हुआ था, जो यूसुफ जाही ट्राइब जो है ना उसे लड़ते हुए ये मर गया था, लगभग 1585 के आसपास मर गया था। उसके बाद टोडरमल है, टोडरमल जो है फाइनेंस मिनिस्टर था, अकबर का नवरत्न है, ये फाइनेंस मिनिस्टर था, ये शेरशाह सूरी वक्त भी था, शेरशाह सूरी में भी था टोडरमल, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर था, और लैंड रेवेन्यू के लिए ये फेमस था। किस चीज के लिए फेमस था टोडरमल जी? लैंड रेवेन्यू के लिए। सब डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ, समझ रहे हैं, तो हर पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तानसेन जो है, तानसेन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है, राम, इसको किस नाम से जाना जाता है तानसेन को? राम तनु पांडे, ठीक है, इसका एक्चुअल नाम राम तनु पांडे है। तो तानसेन का एक्चुअल नाम राम तनु पांडे है, और ये सिंगर है, म्यूजिशियन है, ठीक है। उसके बाद मानसिंह जो है, मानसिंह ये जनरल है, या बोल सकते हैं मनसबदार था ये मानसिंह। आपको हल्दीघाटी का बैटल पढ़ाए थे, उसमें आपको बताए थे असफ खान और मानसिंह जो था इधर से लीड कर रहा था, किधर से, अकबर की तरफ से, और हकीम जो था, हकीम जो था, मानसिंह इधर से कर रहा था और हकीम खान उधर से कर रहा था, इधर से मानसिंह और असफ खान कर रहा था अकबर की तरफ से, और आपका जो राजा, ये आपका महाराणा प्रताप की तरफ से कौन कर रहा था जी? महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान कर रहा था। अब देखिए, अबुल फजल जो है, अबुल फजल ये स्कॉलर एंड स्टेट्समैन है, ठीक है, तो ये अबुल फजल, ठीक है, और ये जो है वीर सिंह बुंदेला के थ्रू इसका हत्या हो गया था। आपको जो सलीम, इनका बेटा जो है, अकबर का बेटा जो सलीम है, जिसको जहांगीर से रूलर बनेगा अकबर, ये
वही जो है वीर सिंह बुंदेला के थ्रू मरवा देता है। एक्चुअली होता क्या है कि अलाहाबाद फोर्ट पे क्या करता है ना, सलीम कब्जा कर लेता है, उसके बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेता है। एक्चुअली वो पुर्तगीज लोग से मिलकर सलीम क्या करता है, अलाहाबाद फोर्ट पे कब्जा करता है, वो अपने आप को क्या करता है, इंडिपेंडेंट घोषित करता है। तो इस चीज को रोकने के लिए अबुल फजल को भेजता है ये अकबर, बहुत बार रोक भी लेता है, मतलब बहुत बार वार्तालाप के लिए भेजता है और बहुत सा सिचुएशन क्रिएट करता है। तो एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व रहता है, अबुल फजल को भेजता है अकबर, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है, बहुत बार कंट्रोल भी करता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ऐसा सीनेरियो बनते रहता है। और उसी बीच में एक ऐसा भी सीनेरियो बनता है जब क्या होता है कि आपका सलीम जो है वीर सिंह बुंदेला के थ्रू क्या कर देता है, अबुल फजल का हत्या कर देता है, समझे। तो ये आप देखिए, और अबुल फजल जो है अपने बुक में क्या करता है जी, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका का भी वर्णन किया है ये अपने बुक में, अबुल फजल, समझे। तो ये कौन है हुआ, अबुल फजल क्या है जी, पोएट है हा? तो ये आप देखिए, फिर फैजी जो है, फैजी वो लीलावती जो बुक है उसको क्या करता है पर्शियन में, वो क्या करता है पर्शियन में ट्रांसलेट करता है फैजी लीलावती बुक को। फिर आपका रामायण को भी किया गया है, रामायण को भी अब्दुल कादिर बदायूं या बदायूं किया, कौन किया जी बताइए, बताएंगे आपको उसको, ठीक है। अभी देखिए अब्दुल रहीम जो है वो क्या करता है, ये भी आपका स्टेट्समैन है, और ये आपका अब्दुल रहीम जो आपका बैरम खान का जो बताए थे आपको, बैरम खान का ही बेटा है अब्दुल रहीम, इसको भी खाने खाना का टाइटल ये देता है, समझिए। उसके बाद आपका आता है अब्दुल रहीम, उसके बाद हकीम हुमाम आता है, हकीम हुमाम, इसको जनरली बोला जाता है कि ये बावर्ची का देख रेख करता था, मेन मतलब रोल इसका यही था। उसके बाद मियां कुकुलतास ये नौ था उस पेंटिंग के साथ जो मैं आपको बता रहा था। उसके बाद और देखिए कुछ जैसे मुला दो प्याजा, इसको तो बहुत लोग मानते ही नहीं, बोलते हैं कि ये है ही नहीं है, जब फ्रिक्शन है मतलब इसको नहीं मानते हैं लोग, लेकिन फिर भी है नाम। तो देखिए आप, तो इसको इंटेलिजेंसी या बहुत जगह आपको इंटेलिजेंसी से मिलेगा कि ये इंटेलिजेंसी से जुड़ा हुआ था, या बहुत जगह आपको मिलेगा इंटेलिजेंसी मतलब क्या होता है गुप्तचर, या बहुत जगह आपको मिलता है कि नहीं ये कॉमेडियन था, ठीक है। तो ये मुल्ला दप्पिया जा, उसके बाद आपका आता है अब्दुल कादिर बदायूं, फिर आता है आपका बैरम खान, फिर आता है आपका भगवान दास, फिर आता है आपका शेख मुबारक, फिर आता है आपका फकीर उजुद्दीन ये आता है। ये जो फकीर उजुद्दीन था वो रिलीजियस चीफ एडवाइजर था, समझे, चीफ एडवाइजर था, लेकिन वो रिलीजियस मैटर पे था, तो रिलीजियस चीफ एडवाइजर था फकीर उजुद्दीन। तो ये जो है आपका, ये नवरत्न हो गया आपका, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद आप ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिएगा ना, तो पहला जो दीवान जो था, दीवान क्या होता जी बताते हैं, रुकिए, पहला दीवान जो था अकबर में वो कौन, किसको माना जाता है, मुजफ्फर खान तुर्बाती को माना जाता है। दीवान जो है वो एक्चुअली ट्रेजरी डिपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और दीवान जो है आपको क्या है कि कोई भी ऑफिशियल जो है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो वो रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, ठीक है, फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ है। तो वो ऐसा कौन था पहला दीवान जो एकदम मतलब पुख्ता पता चलता है, तो वो यही था मुजफ्फर खान तुर्बाती। फिर आपको आप ये देखिए, जिसको मतलब एक स्टेटस मिला हुआ था, मतलब अगर एक बोलते हैं ना कि एकदम हाँ एक ठप्पा लगा के स्टेटस कि हाँ यही था पहला, तो उस हिसाब से एकदम सियोर के तौर पे यही था मुजफ्फर खान तुर्बाती था। फिर देखिए एक यूसुफ शाह चक ये कहाँ का रूलर था, ये कश्मीर का रूलर था, जिसको क्या किया था ये अकबर एक्साइल कर दिया था बिहार, इसको बिहार भगा दिया था, जहाँ पे ये क्या हुआ था बिहार में ही बेशक जगह है, बेशक के जगह पे ही वहीं पे नालंदा, मतलब नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, तो एक्चुअली नालंदा याद रखिए, तो नालंदा में क्या होता है ये वहीं मर जाता है, तो नालंदा में इसका टॉम है, समझे। अब ये देखिए डेक्कन में जो लैंड रिव्यू लगाता था आपका अकबर, वो किस हिसाब से लगाता था, नंबर ऑफ प्लॉ के हिसाब से लगाता था, मतलब कितना हल है वहाँ पे, जितना हल उस हिसाब से लगाता था वो डेक्कन में लैंड रिव्यू लेता था। फिर इसके खिलाफ अकबर के अगेंस्ट एक फतवा इशू हुआ था, जो कि जौनपुर का था एक आपका उलमा, ठीक है, अब उतना उलमा का नाम याद नहीं रखना, तो फतवा इशू क्या था, जौनपुर का एक उलमा है और नाम एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं आ रहा वो, तो वो उलमा क्या किया था इसके अगेंस्ट फतवा जारी किया था, किसके अगेंस्ट, अकबर के अगेंस्ट। तो कहाँ का था वो उलमा, तो वो जौनपुर का था, समझे। अब देखिए तबकते अकबरी जो है ये कौन लिखा है जी, ये निजामुद्दीन अहमद लिखा है, ठीक है। अकबर नामा कौन लिखा है, अबुल फजल लिखा है अकबरनामा। अबुल फजल और फैजी जो है ये क्या है, दोनों एक दूसरे का भाई है, ठीक है, और अबुल फजल अकबरनामा लिखा है। देखिए अबुल फजल जो है आपका अकबरनामा लिखा है, ठीक है। तो अकबरनामा जो लिखा है ना, उसका जो थर्ड वाला वॉल्यूम है
उसको हम लोग आयने अकबरी बोलते हैं। और आयने अकबरी जो है वो पांच ऐसा नहीं है कि आयने अकबरी बस एक सिंगल स्ट्रोक है, आयने अकबरी पांच मिलके बना हुआ है, पांच अलग अलग मिलके उसका खंड ऐसे एक दो तीन चार ऐसे करके मना लो तो आप पांच मिलके बनेगा, तो आयने अकबरी है। और अकबर नामा का जो थर्ड वाला वॉल्यूम है ना उसको अकबर नामा का, उसी को आयने अकबरी बोलते हैं, ठीक है। इसमें स्पेशली अपना जीवनी के बारे में वो अपना कुछ प्रशंसा वगैरह किया है अबुलफजर। और आयने अकबरी भी देखिएगा ना तो वो खुद पांच अलग अलग से मिलके बना हुआ है, तो ये सवाल पूछा हुआ भी है तो याद रखिए। आयने अकबरी कितना है? पांच है, पांच के अलग अलग चीज से मिलके बना हुआ, मतलब पांच अलग अलग बनाया गया, लिखा गया और उसको फिर एक जोड़ के ये कर दिया गया। तो अब देखिए ये आपको ये बता रहे थे, उसके बाद तबकते अकबरी, लेकिन अबुल फजल जो लिखा है अकबरनामा उससे भी ज्यादा माना ये जाता है कि अकबर के पूरा राइन के बारे में अच्छा जानकारी पुख्ता ज्यादा ट्रुथफुल माना जाता है। कि जानकारी किससे मिलता है? ये तबकते अकबरी से मिलता है, जो कौन लिखा है? निजामुद्दीन अहमद, ठीक है, निजामुद्दीन अहमद लिखा है। फिर देखिए ये एक ऑनर देता है, जरी कलाम का ऑनर देता है मोहम्मद हुसैन को। कौन देता है? ये क्या है? राइटर है मोहम्मद हुसैन। किसी कोर्ट में था? ये अकबर के ही कोर्ट में था। इसी को कौन सा ऑनर देता है, कौन सा टाइटल देता है? तो जरी कलाम का टाइटल देता है। किसको देता है? तो मोहम्मद हुसैन को देता है, समझे। अब ये जो है इसके कोर्ट में कुछ जैन रहते थे, देखिए एक हरि विजय सूरी और एक जीन चंद्र सूरी, लगा हुआ सूरी है लेकिन है कौन? जैन है ये। तो ये दोनों जैन है जो किसे कोर्ट में रहते थे? अकबर के कोर्ट में रहते थे। इसमें एक ये भी पूछा हुआ था कि क्या टाइटल देता है, देखिए हरि विजय सूरी को कौन सा टाइटल देता है ये अकबर? तो ये देता है जगत गुरु का टाइटल देता है। और जीन चंद्र सूरी का क्या कौन सा टाइटल देता है? युग प्रधान का टाइटल देता है। तो ये सवाल पूछा हुआ कि हरि विजय सूरी को कौन सा टाइटल दिया है अकबर? तो जगत गुरु का। और इसके क्वाइन पे जो है, ये जो क्वाइन चलाता था उस पे किसका फिगर मिलता था? तो रामसिया का फिगर मिलता था, रामसिया का भी फिगर मिलता था, ठीक है, देवनागरी लेजेंड। तो इसका फिगर मिलता था उस पे, देखने को मिलता था उसमें आपको राम जो है धनुष लेकर आते थे, ठीक है। और तो खैर उतना उसको उस सिक्के पे क्या है नहीं है उतना डिस्क्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्वाइन फिगर राम सीता का सिक्का कौन चलाया जी? अकबर चलाया। राम सिया का सिक्का कौन चलाया? अकबर ही चलाया, ठीक है। और लर्न किया है, देखिए इससे जुड़ा हुआ और चीज हम बताऊंगा आगे आपको। और ये जो है एक लर्न किया था, सीखा था, ठीक है। तो लाला नहीं बोल सकते, लाल बोलिए, लाल कलाबंत से ये सीखा था। क्या सीखा था जी? तो हिंदू म्यूजिक, आई थिंक हिंदू म्यूजिक ये है। ये एक मिनट आपको बताते हैं ये क्या है। हाँ तो ये हिंदू म्यूजिक सीखा था लाल कलाबंत से, ठीक है, क्योंकि ये म्यूजिक का बड़ा शौकीन था। उसके बाद देखिए अकबर के वक्त जो है 15 सुबह था, ठीक है, ये यही सुबह जो है औरंगजेब के वक्त 20 हो जाता है। अब देखिए ये जो सिक्का चलाया था, जो सिक्के के बारे में आपको बता रहे थे, कुछ सिक्का से जुड़ा हुआ इसका बात देखिए। ये बहुत तरह का सिक्का चलाया, 26 तरह का क्वाइन चलाया था, जो सिर्फ गोल्ड का था, गोल्ड का सिर्फ 26 तरह का गोल्ड का क्वाइन चलाया था, अलग अलग तरह का गोल्ड। तो जिसमें इलाही जो क्वाइन है, जो एक क्वाइन चलाया था जो इलाही है वो गोल्ड का क्वाइन है, ठीक है। तो इलाही गोल्ड का क्वाइन है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर पूछेगा ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि इलाही क्वाइन जो चलाया था जो बहुत प्योर फॉर्म में था, उससे भी ज्यादा प्योर फॉर्म में आपका जो एक क्वाइन चलाया है उस ससम करके है या सहंसा करके एक क्वाइन आता है इसका, वो भी गोल्ड का ही है। जो सबसे ज्यादा अगर पूछेगा आपसे कि सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म में कौन था, तो वो ही था, सहंसा या ससम बोलते हैं उसको। उसके बाद एक क्वाइन ये चलाया, जो इलाही क्वाइन चलाया था ना वो एक्चुअली सर्कुलर था। और एक क्वाइन चलाया था जलाली, जो कि सिल्वर का क्वाइन था, वो रेक्टेंगुलर था, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉपर का क्वाइन जो चलाया उसका क्या नाम था? दाम नाम था। मुगल के वक्त जो है ना आपका मोहर, गोल्ड के क्वाइन को मोहर बोलते थे। तो आपका शेरशाह सूरी जो क्वाइन चलाया था उस वक्त भी गोल्ड क्वाइन को क्या बोलते थे? मोहर बोलते थे, समझे। उसके बाद देखिए जब आप दाम और रुपया सिल्वर क्वाइन को बोलते थे शेरशाह सूरी के वक्त भी और इसके वक्त भी, मुगल के वक्त भी आपका जो सिल्वर का क्वाइन होता था उसको रुपया बोलते थे और कॉपर क्वाइन को दाम बोलते थे। उस वक्त भी कॉपर क्वाइन को दाम बोलते थे शेरशाह सूरी के वक्त के भी। शेरशाह सूरी में अगर देखिएगा तो आपको बताया था कि कॉपर क्वाइन और सिल्वर क्वाइन का अगर देखिएगा तो कितना रेशियो था, मतलब 64 अगर आप कॉपर क्वाइन लाओ तो एक सिल्वर के बराबर होगा, माने 1:64 था। उसी तरह से इसमें अगर देखिएगा मुगल के वक्त तो 1:40 था, ठीक है, 1:40 कितना था जी? 40 था। बेसिकली अकबर के वक्त जो आपका रुपया वाला क्वाइन हो गया, ठीक, और जो आपका
रुपया मतलब सिल्वर, और जो आपका दाम जो कि कॉपर, तो उसका रेशियो अगर देखिएगा ना रुपया और कॉपर के बीच का रेशियो, तो वो कितना था 1:40, यानी 40 आप कॉपर लाइए तो एक सिल्वर के बराबर वैल्यू होगा। एक सिल्वर के बराबर वैल्यू करने के लिए कॉपर का कितना कॉइन लाना पड़ेगा जी, 40। तो आप समझ गए होंगे ये। उसके बाद आप एक पॉइंट याद रखिए कि पंचमहल जो आपको बताया था, पंचमहल तो वो जो था आपका जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का के तरह ही बनाया हुआ था डिजाइन। बहुत सा ये जो बिल्डिंग बनाया है ना, वो गुजरात या बंगाल का जो आर्किटेक्ट वहाँ बना हुआ है उसी का कॉपी किया हुआ है, समझे। जो फतेहपुर सीकरी में आपको बताए थे ये सबसे फाइनेस्ट था, वो आपको बताए थे एक बुलंद दरवाजा, जिसमें आपको बताया था बुलंद दरवाजा में क्या बताया था कि 1601 जो था, जैसे हिंदू और मुस्लिम को क्या करता था, ये कभी भी भेदभाव नहीं किया था, एलाइक किया था, समान मानता था हिंदू मुस्लिम को भी। और आपको बताया था कि जो कहाँ पे आप बात कर रहे थे, हम बुलंद दरवाजा का बात कर रहे थे। बुलंद दरवाजा जो आपको बताया था कि 1601 में मानता है कौन, पर्सी ब्रॉन के हिसाब से अगर पूछे बुलंद दरवाजा कब बना है तो 1601 में बना है। वो मानता है कि 1601 में साउथ में जब विक्ट्री किया था तब, लेकिन ऐसे क्या है, ऐसे अगर पर्सी ब्रॉन बोलेगा स्पेसिफिक तब, अगर पर्सी ब्रॉन नहीं बोला है तो बुलंद दरवाजा जो है गुजरात के विक्ट्री के बाद माना जाता है कि बनाया गया था, ठीक है। कहाँ है बुलंद दरवाजा जी, फतेहपुर सीकरी में। और रॉले फिच जो है इसके कोर्ट में आया था, सबसे पहला इंग्लिश या सबसे पहला इंग्लिश मैन या सबसे पहला ब्रिटिशर्स कौन था जो आपका इंडिया में लैंड किया था जी, वो कौन था, मिल्डन हॉल भी नहीं था, रॉले फिच जो है भी नहीं था, कौन था वो, थॉमस स्टीवंस था। कौन था देखिए, थॉमस तो आप जानते होंगे, थॉमस स्टीवंस समझ रहे हैं, थॉमस स्टीवंस था जो पहला इंग्लिश मैन था जो लैंड किया था इंडिया में। अब देखिए ये रॉले फिंच बता दिए, और जब अकबर जो था, अकबर के कोर्ट में रॉले फिंच आया था, और रॉले फिंच और इसके कंटेम्प्रोरी कौन थी, क्यून एलिजाबेथ वन थी, ठीक है, क्यून एलिजाबेथ वन इसी के कंटेम्प्रोरी थी। उसके बाद देखिए कुछ काम, जैसे ये राणा प्रताप से, महाराणा प्रताप से जो ये लड़ाई कर रहा था, तो इसका मेन मकसद क्या था लड़ाई करने का, तो उसको अपने वश में लेने का था मेन मकसद, समझे, उसको सबड्यू करने का था मेन मकसद, उसको हम सबड्यू करते राणा प्रताप को, अपने वश में कर लें, समझे, यही मेन मकसद था उसका। ये सवाल पूछा हुआ सारा सवाल, समझे। अब देखिए इसका जो काम था वो क्या था, देखे थे आप, एजुकेशनल डिपार्टमेंट लाया, एजुकेशनल रिफॉर्म किया, फिर आप ये क्या किया बताया था आपको पीछे, देखिएगा एजुकेशनल रिफॉर्म किया बताया आपको, उसके बाद क्या हुआ कि ये रिलीजियस लिबरेशन था, ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस था, ना कि इनटॉलरेंस नहीं था, तो रिलीजियस लिबरेशन था इसका। फिर आप देखिएगा ना, तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रोविंशियल में भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लाया, तो ये सारा काम इसका है। तो कभी कभी ऐसे भी आपसे सवाल पूछता है, समझे, सोशल में रिफॉर्म काम किया है, समझे। उसके बाद आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम इसका काम है, समझे, तो ये सारा इसका काम है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं इसका क्या क्या काम है। बाकी आपको मनसबदारी से कुछ जुड़े हुए बात बता रहे थे, तो उसमें मनसबदारी से भी क्या होता है कि सबसे ऊपर में जाट होता है, फिर उसका नीचे में आइएगा, तो मनसबदारी भी उसका तीन पार्ट में बटा हुआ था, खुद जाट, सर्वर और मनसबदार, समझे, और 33 डिवीजन था उसमें। अब अहिद्स जो था, अहादिस क्या था, ये ट्रूप है, ट्रूप मतलब समझ रहे हैं ना जी, अरे आर्मी उर्मी का जो ग्रुप होता है उसी को ट्रूप बोलते हैं। तो जो अहादिस था ना, ये बेसिकली खुद इंपेरर आपको करता था, आपको बताया था मीर बख्शी वगैरह था ना जी, हेड था लेकिन चीफ नहीं था, तो अहादिस वगैरह जो था वो ट्रूप था, लेकिन वो क्या करता था कि खुद इसके जो ब्लड से होते थे, जो अकबर के ब्लड से, अकबर के खून से ही जो हुआ करते थे जनरली, तो जनरली उसी को वो क्या करता था, खुद यही करता था, खुद इम्पेरर करता था उसको सिलेक्ट, समझे। और इसका वेतन वगैरह कुछ दूसरे पे नहीं था, इंडिपेंडेंट था, ये ऐसा नहीं था कि वो डिपेंड करता था इसका वेतन कि हाँ भाई मीर बख्शी के थ्रू या फिर समथिंग या जो कुछ भी बनाया हुआ है मनसबदार के थ्रू, इस सब के थ्रू कुछ भी नहीं था, वो इंडिपेंडेंट था इस सब चीज़ से, और जो मेन इसके खून का होता था उसी को बनाया जाता था, समझे। तो ये उसको हम लोग, उस ट्रूप्स को अहादिस ट्रूप स्पेशली नाम दिया गया, समझ गए। बाकी आई थिंक और क्या बचा आपका, सारा कवर कर दिया हूं ना। अब देखिए कुछ चीज यहाँ पे आप ये देखिए कि एक है खैरुल मंजिल मॉस्क्यू जो है, या इसी को अब क्या जाना जाता है, मदरसे बेगम, कौन बनवाई है ये, महम अंगा बनवाई थी, और कहाँ है ये, तो ये दिल्ली में है, पुराना किला के सामने, समझ गए। उसके बाद जैनुल अबिदीन जो है
अकबर ऑफ कश्मीर, कश्मीर का अकबर किसको बना जाता है, बोला जाता है, ये अकबर पढ़ रहे हैं तो अकबर से जुड़ा हुआ कुछ बातें हैं तो बता दे रहे हैं आपको। तो कश्मीर का अकबर किसको बोला जाता है, तो जैनुल अबिदीन को बोला जाता है। और लघु अकबर या स्मॉल अकबर किसको बोला जाता है जी, तो दारा सिको को बोला जाता है। कौन बोला था, लेनपुल बोला था कि दारा सिको को क्या बोला था, स्मॉल अकबर। क्यों, क्योंकि ये अपने यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता है ना जी, तो ये भी ऐसा काम किया है दारा सिको भी, समझे, इसलिए इसको स्मॉल अकबर या स्मॉल अकबर बोलते हैं या लघु अकबर बोलते हैं। फिर आप देखिएगा कि बुलंद दरवाजा आपको बता रहे थे, तो बुलंद दरवाजा 1601 में बोलता है पर्सी ब्राउन की बना था साउथ विक्ट्री के बाद, ठीक है, लेकिन ऐसे क्या है गुजरात विक्ट्री के बाद वो बना था, जो कि आपको डेट वहां लिखवाए थे। अब देखिए एक चीज यहाँ पे देखने के याद कीजिएगा कि यहाँ पे जो बुलंद दरवाजा जो है वो एक्चुअली रेड स्टोन से बना हुआ है, लेकिन उसमें व्हाइट मार्बल भी यूज हुआ, व्हाइट ब्लैक मार्बल डेकोरेट के लिए यूज हुआ है, तो ये सवाल पूछा हुआ है, समझे। तो बुलंद दरवाजा में रेड स्टोन से बना हुआ है, साथ में व्हाइट और ब्लैक मार्बल भी इस्तेमाल हुआ है। फिर आप देखिए कि साहे फतेहपुर जो है जामा मस्जिद, देखिए जहांगीरी महल कहाँ है जी, जहांगीरी महल कहाँ है, तो आपका जहांगीरी महल आगरा फोर्ट में है, अकबरी महल भी आगरा फोर्ट में है, और जामा मस्जिद कहाँ है, तो जामा मस्जिद आपका फतेहपुर सिकरी में ही है, तो जामा मस्जिद को ही क्या बोलते हैं, साहे फतेहपुर बोलते हैं। फतेहपुर सिकरी में और भी चीज वो बनवाया था, आपका दीवाने आम हो गया, दीवाने खास हो गया, ये सब आपका फतेहपुर सिकरी में ही है। आई थिंक मैं सब कवर कर दिया हूँ, बाकी इससे जुड़ा हुआ कुछ छोटा छोटा पॉइंट है, ठीक है, उसको मैं अभी आपको लिखने से अच्छा है मैं अभी उसको बोल देता हूँ, आपको बता देता हूँ, बाकी उसके बाद ये सारा अकबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। देखिए कुछ चीज़ जानिए आप रामचंद्र तानसेन के बारे में, जो पहले कहाँ रहता था जी, किसके कोर्ट में था, रामचंद्रा सिंह के कोर्ट में था। ये कहाँ का, रामचंद्र सिंह कहाँ का है जी, तो एमपी रीवा, एमपी में रीवा जगह है, वहाँ पे है, रीवा में भी भत्ता का है, भत्ता का, रीवा में भत्ता का। तो इतना याद आपको रखना है कि तानसेन जो था पहले किसके कोर्ट में था, रामचंद्र सिंह के कोर्ट में था, और इसको क्या किया गया था, इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था, किसके थ्रू, एक सूफी सेंट थे, ठीक है, मोहम्मद गौस के थ्रू किया गया था। और आपका जो तानसेन का टॉम है ना, जो तानसेन का आपका आप देखिएगा कब्र, तो वो कहाँ है, ग्वालियर में, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का भी कहाँ है कब्र, ग्वालियर में है। तो आपका तानसेन का कहाँ है कबर जी, ग्वालियर में है। हरिदास जो था, हरिदास वो भी इसी के कोर्ट में था, अकबर के कोर्ट में हरिदास था। अकबर जो है ना वो बीरबल को कौन सा टाइटल दिया था जी, तो राजा का टाइटल दिया था, समझे। और तुलसीदास जो है, तुलसीदास जी वो भी इन्हीं के कंटेम्प्रोरी है, अकबर के कंटेम्प्रोरी थे तुलसीदास जी, जो रामचरित मानस लिखे थे। कुछ टर्मोलॉजी आप फिर से देख लीजिए, जैसे बंदोबस्त था या जब्ती था, उसी को बोलते थे बंदोबस्त को जब्ती। तो ये क्या था जी, लैंड रेवेन्यू मेथड था, यानी असेसमेंट करता था उस हिसाब से, वो क्या करता था, रेवेन्यू लेता था। तो एक्चुअली क्या होता था इसमें कि लैंड को सर्वे करता था और मेजर करता था, और उस हिसाब से लैंड को सर्वे करता था, मेजर करता था, और लैंड को डिवाइड कर रखा था चार कैटेगरी में कि किस हिसाब से हमको रेवेन्यू लेना है, समझे। जो कि पोलज था, आपको बताया था कि हर साल खेती होता था, ठीक है, या फिर कल्टिवेशन होता था वहाँ पे, तो उस हिसाब से उसको बोलते थे पोलज। तो इस तरह से आपको हम बताए थे, उस हिसाब से रेवेन्यू ले जाता, समझे। तो यही बंदोबस्त या जब्ती सिस्टम था। तो जो आपका असेसमेंट करता था या जो आपको टैक्स कलेक्ट करता था नॉर्थ इंडिया में, उसी को क्या बोलते थे जी, करोरीज बोलते थे उसको, करोरीज। और यही क्या करता था जी, यही इन्फॉर्मेशन, यही करोरीज जो था वही इन्फॉर्मेशन देता था कि कितना लैंड का प्रोडक्टिविटी है, समझे, या फिर क्रॉप का प्राइस क्या चल रहा है, समझे। उस बेसिस पे क्या होता था कि दशाला जो था, जिसको आईएनए दशाला बोलते हैं, टुडरमल जो लाया था, लास्ट 10 साल के सर्वे पे लिया जाता था, इसमें क्या था, 1/3 रेवेन्यू लेता था, मतलब आपको देना रहता था। तो इसमें जो था ना, ये सारा करोरीज के थ्रू इन्फॉर्मेशन दिया जाता था, और उसके बेसिस पे 10 साल के एस्टिमेशन के बेसिस पे वो सारा खेल होता था इसमें, समझे। तो जो रेवेन्यू था ना, उसी रेवेन्यू को क्या एक नाम से जाना जाता था, तो दस्तूर अमाल नाम से जाना जाता था। आपको एक और टर्मिनोलॉजी बताया था, कानकूत को ही दानाबंदी भी बोलते हैं, समझे। और ये क्या था, लैंड मेजर करता था, ठीक है, एरिया को सर्वे करता था, और म्यूचुअल एग्रीमेंट पे होता था, और उस हिसाब से क्या करता था, लैंड को डिवाइड कर देता था कि ये बैड हो गया, ये मिडिल हो गया, ये गुड हो गया, और बैड के हिसाब से जितना रेवेन्यू लेना होगा, 1/3 1/4 जितना भी वो लेगा, मिडिल के हिसाब से उतना लेगा, तो इस हिसाब से रेवेन्यू लेता था। तो यही सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे, कानकूत। जो हम आपको अभी दहसाला बताएं, जिसमें आपका टुडरमल था, तो उसमें आपका जो मेन असिस्टेंट का काम करता था ना, टुडरमल का मेन असिस्टेंट कौन था जी, तो ख्वाजा शाह मंसूर था, समझे। और आपका जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि तुलसीदास इसके कंटेम्प्रोरी था, अकबर के कंटेम्प्रोरी था, तो देखिए अकबर के कोर्ट में और भी लोग थे, करण भी था, नरहरि सहाय भी था। देखिए आपको बताया था कि चाइल्ड इन्फेंटिसाइड को रोका इसने, ठीक है, और चाइल्ड मैरिज को भी रोका, तो उसमें एक लॉ आया था, इस क्या क्या था लॉ में, कि बॉय को 16 साल और गर्ल्स का कितना, 14 साल उम्र फिक्स किया था शादी करने का।
और भी जितना कुरूतियां थी ना उस सारे सिस्टम को हटाया था। जैसे पहले क्या चलता था ना कि जीत जाता था कोई साम्राज्य वगैरह, कोई राज को जीता, कोई पार्ट को जीता, कुछ एरिया को जीता, तो उसमें क्या होता था कि जो स्लेव थे या जो उनकी वाइफ हो तो स्लेव बना लिया जाता था उनके उस एरिया वाले के वाइफ को, उसके चिल्ड्रेन को, समझे? तो ये सब को भी वो रोका अकबर। आपको भारमाल बताए थे, भारमाल राजा बिहारी मल, तो देखिए उसमें एक मैं छोड़ दिया था, याद नहीं रहा था। उसमें क्या था कि ये कहाँ का राजा था, तो अम्बेर या अमीर बोल लीजिए, वहाँ का ये रूलर था। ये एक्चुअली अभी उस एरिया को अभी क्या जाना जाता है, जयपुर से जाना जाता है। क्या शेर ससुरी वक्त मानसबदारी सिस्टम था? जी नहीं था उस वक्त, समझे आप। लेकिन आपका शेर ससुरी लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया था, समझे। इसमें आपका लैंड सर्वे करता था, उसके हिसाब से ये टैक्स लेता था। जैसे इसके इस वक्त का कौन कौन सा टैक्स था जी, जरीवाना टैक्स था, ठीक है, फिर आपका मुहासिलांस टैक्स था। और इसने कैसे बांट रखा था लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो लेते थे, तो कैसे बांट रखा था, तो पर बीघा लैंड को राय बोलता था, उसमें बैड गुड मिडिल इस हिसाब से बांट रखा था, पोलज प्रवृत्ति इसमें भी था। तो अभी हम आपको बताएं कि दहसाला क्या था, 10 साल असेसमेंट पे था, ठीक है। तो अब देखिए बटाई जो था उसमें क्या था, हार्वेस्ट करता था, ठीक है, जो भी फसल हुआ उसको हार्वेस्ट कर लिया गया, उसके बाद इक्वल हीप बनाया जाता था और उस हिसाब से क्या करता था, उसको बांट लेता था, उसी को बटाई बोलते थे या गल्ला बक्स बोलते थे। और कनकुट अभी अभी बताएं, कनकुट क्या था, जो ग्रेन था, जो फसल था, उसको क्या करता था, एरिया को सर्वे करता था और म्यूचुअल एग्रीमेंट पे उसको ले लेता था। फिर और नस्क जो था, नस्क उसमें क्या था, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से एस्टिमेट करके उसको बंटवारा होता था। तो एक चीज़ आप ये याद रखिए कि जागीरदारी जो था लाया कि नहीं अकबर, जागीरदारी जागीरदारी सिस्टम लाया है, इसमें क्या था, जागीरदारी लैंड से जुड़ा हुआ था, मनसबदारी लैंड और मनी दोनों से था, समझ गए। तो इसमें क्या होता था कि जो मनी है उसमें क्या होता था, मनी को जैसे रिवेन्यू तौर पे जब मनी दिया जाता था ना, तो उसी को नकदी बोलते हैं, नकदी। अभी आप सुनते होंगे आम भाषा में नकदी, तो वही सब है, कहीं ना कहीं वो जो पास्ट में जो कुछ हुआ है ना उसी से सब जुड़ा हुआ है। अभी प्रेजेंट में चीज़ें बहुत सी चीज़ें वही होता है ना, जुड़ा हुआ रहता है। और जागीरदारी में क्या होता था कि लैंड लैंड दिया जाता, लैंड जो है उसी को जागीर बोलते थे, कि लैंड जो रिवेन्यू तौर पे दिया जाता था ना उसी को जागीर बोलते थे। देखिए मनसबदारी सिस्टम आपको बताए थे, उसमें क्या था कि देखिए 5,000 से 10 का ट्रूप है, कहीं कहीं आपको देखा ना कि जैसे चंगेज खान जो था उसमें 10 से लेकर 10,000 तक ट्रूप था, लेकिन मनसबदारी इसका अकबर में देखिएगा तो लगभग 5,000 से 10 के बीच का ट्रूप रहता था। इसमें भी आपका बांटा हुआ था, समझे, जाट था, सवार था। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही हुआ मनसबदारी, तो जो भी नोबेल्स होते थे या जो भी राजपूत होते थे उसको बनाया जाता था, समझे। और पार्सली मुगल जो एम्पायर जो था वो क्या करता था, कंट्रोल करता था इस तरह से बना के कि हाँ हम राजा रहे, हम बादशाह रहेंगे, आपको इधर इधर एरिया का राजा बना दिए, समझे। तो इस हिसाब से वो कंट्रोल करने का सिस्टम अपनाया था कि ताकि क्या हो और अच्छे से चीज़ों को प्रोसीड किया जा सके, साम्राज्य को फैलाया जा सके, पीस लाया जा सके, समझे। और आपको बताया कि इसके इस वक्त क्या था, कोई डिस्क्रिप्शन था नहीं था, रिलीजन या रेस के बेसिस पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं किया अकबर, समझे। फिर जो ये लाया ना मनसबदारी, वो एक्चुअली चंगेज खान से बोला जाता है कि बोरो, मतलब मंगोलिया, चंगेज खान वहीं का था ना जी, तो मंगोलिया से बोरो किया गया। एक्जैक्टली है नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा बोला जाता है और ये सवाल पूछा हुआ भी है, तो कहाँ से बोरो किया गया जी, तो मंगोलिया से, समझे। लेकिन उसका सिस्टम अलग रहता था, इसका सिस्टम अलग था। जिस तरह से आप आगे आप देखिएगा कि औरंगजेब वक्त जो था वो मैक्सिमम चेंज लाया मनसबदारी सिस्टम में, फिर शाहजहां वक्त जो था बहुत इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता था मनसबदारी का, और इस तरह से था इसमें। और आपका मनसबदारी में चीज़ें बटा हुआ भी था, जाट सवार जो आपको बता रहे हैं, और उसमें भी आपका था कि जैसे अगर अप टू 500 तक रहेगा तो उसमें क्या इतना ट्रूप्स, मतलब 500 तक क्या जी ट्रूप्स, ठीक है, तो उसको मनसबदार बोलते थे, 500 से 2,500 के बीच में अमीर बोलते थे, अमीर ऑफ अमीर जब एवं 5,000 होता था। तो ऐसा माना भी जाता है कि अजीज कोका जो था या राजा मानसिंह के वक्त 7,000 तक था। आपको बताएं कि मानसिंह कौन था जी, मनसबदार था, बताए थे अभी आपको। अभी उसी तरफ से दह बिस्ती एक सिस्टम है, तो ये किसके वक्त था, अकबर के ही वक्त था, जिसमें दह मतलब 10 और बिस्ती मतलब 20, तो 10-20 सिस्टम लाया था, जिसमें क्या था 10 कैवलरी मैन पे 20 हॉर्स, मतलब अगर हॉर्स को रेस्ट दिया जाता था कि जैसे कोई लड़ाई के लिए जा रहे हैं, तो इस हिसाब से 10 कैवलरी मैन मतलब जी जो घोड़सवार होते थे, तो उस हिसाब से ये सिस्टम बना रखा था। तो होप इसमें जितना था मैं आपको सब समराइज कर दिया हूँ, होप आपको समझ में आया होगा।